Hello everyone. Namaskar, adab aur sat sri akal. Ki hal chal? Main hoon Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, hum aaj baat karenge balance ki, balanced diet ki. Bhai, diet balance honi chahiye, sabne suna, sabne dekha. Pehle hum jaake ek bar apna channel wa mein dekh lenge awaaz sahi aa rahi hai ya nahi. क्योंकि बैलेंस डाइट तो होनी ही चाहिए, लेकिन आवाज भी सही होनी चाहिए, राइट? सो वॉइस अगर अच्छी है, बिकॉज लास्ट टाइम हमें बाद में जाके देखा कि वॉइस सही नहीं आ रही थी और फिर हमें पछतावा हुआ, चलो ग्रेट. सो हमने देख लिया है वॉइस आ रही है और हमने देख लिया है कि क्वेश्चन भी आ रहे हैं. हाँ राइट, चलो. So before going to any other question or any other thing, we are talking about balanced diet. Balanced diet का क्या मतलब होता है और diet में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आज का जवाब आज आपको देंगे. So आइए शुरू करते हैं. See, दोस्तों, problem ये है, दुनिया भर में बहुत सी diets हैं, बहुत सारे concepts हैं. कई लोग इंडिया में लोग हर खाने को पका के, तल के या fry करके या तड़का मार के खाते हैं. दूसरे कई देशों में लोग बेक करके ज़्यादा खाते हैं, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ें. कई देश में पिज़्ज़ाज़ खाए जाते हैं, इटालियन देश में, कॉन्टिनेंटल्स में सैलड्स और ये वो, पता नहीं क्या क्या दुनिया में है. अब हर एक का मुझे उतना डिटेल नॉलेज तो नहीं, छोड़ दीजिए वो सब. बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि आपके शरीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या खा रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या खाया, उसको फर्क पड़ता है वो जो खाया उसके अंदर क्या है, उसके अंदर न्यूट्रिशन क्या है, उसके अंदर कार्ब्स कितने हैं, उसके अंदर प्रोटीन कितने हैं, उसके अंदर फैट कितने हैं. ये क्या हुआ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो, सबने सुना होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट. और फिर उसको फर्क पड़ता है आपकी शरीर को, आपके शरीर को फर्क पड़ता है कि उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं. माइक्रो क्या, वाइटामिन्स, इतने सारे वाइटामिन्स. उसके बाद मिनरल्स, राइट, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेलेनियम, आयरन. तो आपके शरीर को चाहिए ये सब चीजें और उसको ये डेली चाहिए, उसको रोज चाहिए बस. अब वो कहीं से भी दो, चाहे इंजेक्शन लगा के दे दो, चाहे खाना खा के दे दो, चाहे वो खाना पिसा हुआ हो, चाहे वो रगड़ा हुआ हो, चाहे जूस बनाया हो या बड़ी बड़ी बाइटे बाइट खाया हुआ हो, वो उसको फर्क नहीं पड़ता. चाहे वो फिश से, मच्छी से खाने, मच्छी को खाने से आ रहा है, या पत्ते को खाने से आ रहा है, या लकड़े को खाने से आ रहा है, या कोई जूस पीने से आ रहा है, शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सारी चीजें कहां से आ रही है, उसको सिर्फ ये सब चाहिए. तो ये सब कहां से मिलेगा, है ना? अब कई चीजें हैं जो प्रोटीन में, जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, किसी में फैट, ऑयल्स है उसमें पूरा का पूरा फैट है, तो फैट में फैट सॉल्युबल विटामिंस है. कई वेजिटेबल्स हैं जो पत्ते वाली वेजिटेबल्स या जितने भी वेजिटेबल्स हैं जो वेजिटेबल्स के नाम से, सब्जी भाजी के नाम से मिलती हैं, वो सब्जी भाजी में विटामिंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ मात्रा में, बहुत नाम मात्रा में प्रोटीन, कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, बहुत ना के बराबर मात्रा में है, कम है, एकदम कम. कई वेजिटेबल्स हैं जो जैसे अनाज है, ग्रेन्स हैं, अनाज है, उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन कम है. हर अनाज में, कोई जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है तो फास्ट डाइजेस्टिंग, कोई स्लो डाइजेस्ट होता है तो वो अलग. सो यहाँ पे आपकी बॉडी को इतना टेंशन लेने की आदत नहीं है, उसका बस सिंपल है, उसके पास एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है कि जो भी डालोगे वो टूट टूट के छोटा हो जाएगा, जो भी आप डालोगे वो टूट टूट के छोटा हो जाएगा और फिर उसके बाद उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब वो इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई या नहीं. रिक्वायरमेंट पूरी हुई, आप हेल्दी, नहीं पूरी हुई, आप मैल न्यूट्रिशियस, और अगर ज़्यादा खाते रहे तो ओवरवेट, ओबेस, स्टोरेज में जाएगा. ये बेसिक चीज़ है, ठीक. सो इसी के बेसिस पे कई खाने पीने की चीज़ों को डिवाइड किया गया और ये देखा गया कि भाई हाँ, शरीर को कुछ मात्रा में, इस मात्रा में प्रोटीन चाहिए, उस मात्रा में ये वाला मिनरल चाहिए. ये रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है. क्या है, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, RDA. सो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हर एक खाने की पीने की चीज़ों का अवेलेबल है. बहुत आसानी से आप इंटरनेट पे सर्च करके अपने, कि मुझे एक, मान लो आपको फलाना चीज़ के बारे में जानना है कि मुझे आयरन कितना चाहिए,
तो आपकी उम्र में रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना है देख सकते हैं। वैसे तो कई बार जनरलाइज आता है, कई बार एज स्पेसिफिक भी अवेलेबल होगा अच्छी साइट्स पे आप जाओगे तो, राइट। लेकिन हाँ, गूगल पे ऐसा नहीं है हर चीज़ गलत है, लेकिन कई चीज़ें गलत भी दी हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आपको बैलेंस डाइट के लिए क्या खाना चाहिए, अब तो ये बात हो गई, ये बताना ज़रूरी था कि कुछ भी खाओ अल्टीमेट बेस क्या मैटर करता है ना। सो अल्टीमेटली क्या बोला जाता है कि आपको दिन भर में नंबर वन चीज़ जो चाहिए वो है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके हर एक मसल, हर एक सेल, उसके जो वेयर एंड टेयर होता है उसमें जो भी चीज़ आपके शरीर में बनती है प्रोटीन से बनती है, अमाइनो एसिड से बनती है। सो आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा, आपको प्रोटीन को वेरी करना चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोटीन सोर्स, अगर हम बात करें कि क्या खाएं, प्रोटीन में कौन सा खाना खाएं, वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, अल्टीमेटली वेरिएशन इज द की हियर। यानी आपने कभी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कभी सी फूड खा लिया, कभी आपने चिकन खा लिया, कभी एग खा लिया, कभी पनीर वेजिटेरियन, कभी टोफू खा लिया, कभी। सो वेरिएशन की है यहाँ पे। अगर आपके वेरिएशन वीकली मंथ वीकली बेसिस या ट्वाइस वीकली बेसिस पे नहीं है, एक ही चीज़ खा रहे हैं, देन यू विल मिस आउट ऑन अ थिंग, यू विल नॉट हैव द फुल न्यूट्रिशन वैल्यू जो आपको आपको चाहिए। प्रोटीन की बात हो गई या तो दूसरी की बात ही नहीं आ रही है, राइट। तो प्रोटीन में वेरिएशन रखना ज़रूरी है। कम से कम अगर आप नॉनवेज खा लेते हो हफ्ते में 2 बार, एक बार दो बार फिश खाइए, सी फूड खाइए, फिश या सी फूड 250 ग्राम फिश हफ्ते में खानी चाहिए, एक या दो बार, राइट। अगर आप दूसरी चीज़ें खा सकते हो, क्रैब क्रूब वो सब खाना है, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। अल्टीमेटली शरीर के लिए कोई मायने नहीं रखता। अल्टीमेटली क्या है, वहाँ से सी फूड से क्या मिलना है उसको, ओमेगा 3 मिलना है, ओमेगा 3, ओमेगा 3, ओमेगा 3 EPA DHA, वो का उसका इम्पोर्टेंट साइंस ऑफ एक्सरसाइज वाले वीडियो में कल मैंने बताया था, जो हमारा एक्स फिटनेस और न्यूट्रिशन वाला चैनल है, अगर आपको देखना है तो वो देख सकते हो। सेकंड चीज़ जो आपको खानी है वो है आपकी एनर्जी के लिए, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स 90% लोग इंडिया में जो ज़्यादा खाते हैं प्रेडोमिनेंटली वो है ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, रोटी, राइट, ब्रेड, इवन बाहर भी ब्रेड, किसी भी प्रकार का ब्रेड बेस्ड दलिया, पोहा, उपमा या वट एवर इट इज़, डिपेंडिंग अपॉन, इट्स कमिंग फ्रॉम ग्रेन, कोई ना कोई ग्रेन है, चाहे गेहूं, वीट है, जवार है, बाजरा है, राई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ग्रेन है, ग्रेन है, मतलब ग्रेन है। सो ये ग्रेन्स जो होते हैं, यू हैव टू रिड्यूस योर ग्रेन, दैट्स द आइडिया। बैलेंस डाइट के लिए ग्रेन्स होना चाहिए, आप जितने भी खाते हो उससे हाफ कर दो, इंडिया के रिकमेंडेशन है, जितने भी खाते हो उतने हाफ का मतलब ये है, ग्रेन्स शुड बी आइदर डबल योर प्रोटीन्स और एटलीस्ट जितना प्रोटीन खाते हो उतना, राइट। बैलेंस्ड डाइट में एटलीस्ट जितना प्रोटीन खा रहे हो उतने ग्रेन्स, उतने कैलरीज ग्रेन से आ रहे हैं या उससे डबल कैलरीज ग्रेन से आ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, उससे 1:1, 1:2, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, राइट। ये हिसाब है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है कि ग्रेन्स, कई बार क्या होता है हम प्रोटीन कम खाते हैं ग्रेन ज़्यादा खाते हैं इंडिया के अंदर, इसलिए बोला जाता है आधा कर दो, ऐसा कोई नहीं है कि हर एक को आधा करना, बट पॉइंट इज दिस। सेकंड थर्ड चीज़ जो हमको खानी है प्रोटीन के बाद, ये के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके वेजिटेबल्स। भाई वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो अल्टीमेटली यू आर मिसिंग आउट ऑन, तो जमाने बोलते बोलते हो गए कि बच्चों को सब्जियां खिलाओ, सब्जियां खिलाओ, बच्चे नहीं खाते, वो सबको पता है। लेकिन द पॉइंट इज वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में, प्रोटीन्स में सबसे बड़ा की फैक्टर है वेरिएशन। आपको अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स, अलग अलग प्रकार के ये खाने ज़रूरी हैं। कभी कभी गेहूं खा लिया, कभी जवार, कभी बाजरा, कभी मिस्सी रोटी, कभी ये रोटी, राइट, कभी राई, कभी ये, तो इसी तरह से कभी वेजिटेबल्स में ये खा ली, कभी वो खा ली, मौसम ही अलग अलग आता है, अलग अलग वेजिटेबल आते हैं, तो वेजिटेबल बहुत ज़रूरी है, राइट। अलग अलग मात्रा में अलग अलग इससे खाना, याद रखिए ग्रीन डार्क लीफी वेजिटेबल्स बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको उनसे कोई रिएक्शन नहीं है, डॉक्टर ने मना नहीं किया, तो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जरूर खानी है। और ऑरेंज फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर दैट मैटर, ऑरेंज फ्रूट भी आप खा सकते हैं। और हर एक जगह पे कलरफुल कलरफुल टाइप्स वेजिटेबल्स रखिए, वो बहुत अच्छी चीज होती है। उसके बाद आएंगे आपके फ्रूट्स, फ्रूट्स को भी याद रखिए, आपको होल फ्रूट्स खाने, होल फ्रूट्स का मतलब डोंट गो फॉर जूसेस या पैकेज्ड फूड, आप पूरा पूरा फूड खाओ, पूरा पूरा फ्रूट जो आपको मार्केट में मिलता है वो खाओ। उस फ्रूट फ्रूट को कोशिश करिए, अगर तो फ्रूट विद द उसके छिलके के साथ खा सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर छिलका नहीं खाते हैं उस फ्रूट का, आप नहीं खाते हो, नहीं खा सकते
सकते हो, तो उसको छील के अंदर का भी खा सकते हो, दैट इज़ द आइडिया. तो फ्रूट्स आर इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट एक या दो सर्विंग दिन में फ्रूट्स की होनी चाहिए, या एक दो दिन में दो बार तो फ्रूट्स खा लेना कम से कम, राइट. एक दिन नहीं खाए, दो दिन नहीं खाए, तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हो जाएगा, बट देन इट्स गुड, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है. फ्रूट्स इज इम्पॉर्टेंट, देन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, प्रोटीन्स, देन द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेयरी. डेयरी खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी, अगर आप वेजिटेरियन खासकर, बिकॉज आपको वेजिटेरियन फूड सोर्स में प्रोटीन सोर्स और एक इम्पॉर्टेंट विटामिन B12 का सोर्स नहीं रह जाता, उस केस में आपको चाहिए डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट का कोशिश करो कि वो फैट फ्री या लो फैट ऑप्शंस हों. अगर आप पतले होना चाहते हैं, वेट कम रखना चाहते हैं, मेंटेन करना, अगर मोटे होना चाहता है, तो फुल क्रीम आप दूध लो, डेयरी लो, बहुत बढ़िया, राइट. और डेयरी में भी याद रखिए कि आप वेरिएशंस यूज़ कर सकते हैं, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन ड्रिंक, इट डजेंट मैटर. योगर्ट इज़ वेरी गुड टू बी हैव, अगर योगर्ट खाओगे तो पेट अच्छा रहेगा, तो योगर्ट इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट में. एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बैलेंस डाइट में, ऐसा ही नहीं है कि क्या खाओ, इसमें इंपॉर्टेंट है क्या कम खाओ, राइट. नंबर वन चीज जो आपको कम खानी है वो है सॉल्ट. शुगर नहीं, शुगर तो सब बोलते हैं शुगर, मीठा मत खाओ, मिठाई मत खाओ, राइट, ज्यादा मत खाओ, बच्चे खाओ, बूढ़े मत खाओ, यहाँ बात है सॉल्ट की. सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट रखना जरूरी है अपने टेस्ट के हिसाब से. बहुत ज्यादा मसाले वाला, तीखा वाला खाना खा सकते हो, लेकिन सॉल्टेड फूड बहुत खराब करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज सॉल्टेड फूड बहुत है आपके लिए मार्केट में, अति भरे पड़े हैं. आप जहां जाओ सॉल्टी फूड है, सॉल्टी. सो सॉल्ट फूड इंपॉर्टेंट है. बाहर से ज्यादा खाने वाले को सॉल्टी फूड ज्यादा हो ही जाता है, दैट्स द आइडिया. तो कुछ हो सके तो घर में खाओ, राइट. फिर सैचुरेटेड फैट्स आपको खाने हैं कम, सैचुरेटेड फैट्स आपको कम रखने हैं, एटलीस्ट 10% से कम, अपने पूरी कैलरीज में 10% से कम अपने सैचुरेटेड फैट से रखने हैं. फैट्स टोटल फैट आपको 20% या ज़्यादा 25%, बहुत ही हो गया तो 30%, उससे ज़्यादा मत जाइएगा. रिकमेंडेशंस मना इसीलिए करती हैं, कुछ फर्क है उसका, आगे चल के प्रॉब्लम आएगी. और आखिरी में शुगर भैया, ऑब्वियसली जितनी शुगर, सिंपल शुगर कम खाओगे उतना अच्छा, जितनी कॉम्प्लेक्स शुगर खाओगे उतना अच्छा है. अब लोग को सिंपल और कॉम्प्लेक्स शुगर में फ़र्क नहीं पता. सी, ये गुड़, चीनी, शक्कर, शहद, ऑल आर सिंपल शुगर्स, राइट. और कॉम्प्लेक्स शुगर जो होती है ना ही वो ये है. कॉम्प्लेक्स शुगर का मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि आपके जो होल ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन आटा, होल ग्रेन मल्टीग्रेन चीज़ें, वो चीज़ें आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, तो वो खाइए. मीठी चीज़ें खानी है, थोड़ी बहुत सिंपल शुगर्स खा सकते हो, बट लिमिट रखना उसको, कम से कम रखना ज़रूरी है. इसी तरह से बैलेंस डाइट बनती है. अब आपके सवाल लेते हैं डाइट के ऊपर और फिर आप आगे बात करते हैं. पहले 10 लोगों के सवाल रैपिड फायर राउंड में हम देंगे फका फक. हरसिमरन जी, वे प्रोटीन के साथ क्रिएटिन सप्लीमेंट ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं. और किडनी वाले क्रिएटिन सप्लीमेंट ले सकते हैं? ले सकते हैं भाई साहब. एक ही बार में तीन सवाल नहीं, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल. ओके, देन एज हर्ष 21 HD 40 ये है, 20 से 40 ले जाने में कितने दिन? ये ऐसे कोई वैल्यू नहीं आती भाई साहब, ये हर एक में अलग होता है, हर एक शरीर अलग रिस्पॉन्स करता है. आपका शरीर में कितने दिन में रिस्पॉन्स, कितने दिन में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये भगवान जानता है या फिर समय बताएगा. आप सिर्फ एक्सरसाइज करिए और वो धीरे धीरे बढ़ेगा. कैन वी टेक गुड फैट्स खाइए, उससे बढ़ेगा वो, ठीक है. एक्सरसाइज, कैन वी टेक एलोवेरा ओरली, इज इट गुड फॉर स्किन केयर? नाउ डेज एलोवेरा ट्रेंडिंग इन स्किन केयर, डज इट रियली वर्क? सी, इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी बढ़ाएगा. बट देन डज नॉट दैट डज नॉट मीन कि आपके स्किन को कोई डैमेज नहीं करेगा. अगर आप वो पहन के भरी धूप में निकल जाओगे तो स्किन डैमेज होगी. सो अल्टीमेटली नथिंग इज बिगर देन प्रोटेक्शन, राइट. सो बिफोर एनीथिंग एल्स, कुछ भी चीज करने से पहले यू नीड टू नो द बेसिक स्किन केयर रूटीन. अगर आप बेसिक्स नहीं कर रहे हो तो वो सब का कोई खास फायदा नहीं होने वाला कि मैं साफी बहुत पीता हूं, मैं उंगली का जूस, नींबू का रस और कड़ी चावल या करेले का जूस बहुत पीता हूं, मेरी स्किन साफ क्यों नहीं हो रही. अल्टीमेटली यू नीड टू सी वेयर यू आर डैमेजिंग, वॉट यू आर नॉट डूइंग करेक्टली. तो स्किन केयर रूटीन जाके देखो, राइट. एंड यस, इट इज गुड, नो प्रॉब्लम, ले सकते हो. OCE क्या होता है भैया? सुरेंद्र कुमार जी, जसमीत जी, सर मेरे नाश्ते में दो बनाना, लंच में दो पीक्स चिकन,
सब्जी के बहुत कम चावल रात को वी सेम, क्या ये डाइट सही है? वेट लॉस करना है. अगेन आई कैन नॉट टेल यू लाइक दिस माय फ्रेंड, यू हैव टू कैलकुलेट योर कैलरीज, योर कैलरी रिक्वायरमेंट, राइट? उसके लिए आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में जाइए, NLM, उसमें जाके आप लिखिए कैलकुलेट योर कैलरीज बाय NLM, इट विल गिव गिव टू अ टारगेट कैलरी, कैलरी प्लानर बताएगा, कैलरी प्लानर से प्लान करिए, दिट विल हेल्प यू आउट टू इवेल्युएट योर स्टफ़, राइट? ऐसे नहीं बताया जाता हाँ ये सही है या वो गलत है. डिपेंड्स अपॉन योर एक्टिविटी लेवल, आपकी उम्र, आपका वेट, आपकी हाइट, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैलरी क्या है, राइट? ओके, देन क्रिएटिन, कार्निटिन प्लीज सजेस्ट. आई हैव ऑलरेडी मेड मेनी टाइम्स आई हैव कमेंटेड ऑन कार्निटिन. कार्निटिन सिर्फ आपके अंदर एनर्जी जनरेशन, आपके अंदर एनर्जी जनरेशन बढ़ा देगा, डज नॉट मीन कि वो पतला करेगा. I've already told you many times, वो पतला नहीं करता है, वो सिर्फ आपके अंदर एनर्जी थोड़ी सी बढ़ाता है. अब वो डिपेंड करेगा आप एनर्जी एक्टिविटी करने में यूज करते हैं या वो एनर्जी यूज होती है आपके खाने पीने बर्न करके और ज्यादा फैट जमा करने में. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉइंट ऑफ व्यू, इट डज नॉट ट्रीट यू एनीथिंग, गिव यू एनीथिंग. स्पर्म काउंट फॉर एज 20 कितना होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है हर्ष जी, एक सवाल, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है और स्पर्म काउंट मिलियंस में होता है. आपका जो स्पर्म्स आप रिवैल्यूएशन में दोगे उसमें वो बताएंगे काउंट कितने हैं और इज इट इनफ और नॉट. सर मैं बहुत सोचता रहता हूँ, चिंता में रहता हूँ, परेशान रहता हूँ. परेशानी का स्ट्रेस का इलाज मैं बता चुका हूँ जनाब. स्ट्रेस के लिए एक्सरसाइज करिए और एक साइकोट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से जाके काउंसिलिंग कराइए. मलिक तैयब, सर 10 दिन से हर वक्त डल हेडेक होता है. यूरिन एनालिसिस सारा नॉर्मल. 2 दिन पहले RBS 222 आया था. 2 मंथ पहले RBS 24 आया था. आज RBS 70 आया है. आज भारी हो जाता है, कमज़ोर, स्ट्रेच, आई एम्बेलेंस, वॉकिंग. सी ये RBS से रिलेटेड नहीं है क्वाइट फ्रैंकली. हेडेक अगर हो रहा है तो आप आईज़ चेक कराइए, आईज़ चेक कराओ, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलो, देन यू विल हैव टू गेट इट डायग्नोस कि ये आईज़ का प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है, हेडेक न्यूरोलॉजिकल है, क्या है, राइट? सो एलोवेरा जूस इज़ गुड, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक इट. ओके सर, क्या मैं मेरे हेयर की क्वान्टिटी को बढ़ा सकता हूँ? क्या मेरे हेयर थिन है, क्वान्टिटी कम है, क्या झड़ सकते हैं? क्या वीडियो देख के लेने से मैं बहुत ना सोल्यूशन, सर सोल्यूशन बताना. ऐसा नहीं है यार, वीडियो मैंने बना रखा है उस पे इतनी सारी चीज़ें बताई है. आप हर एक चीज़ लिस्ट करके टिक मार्क करते जाओ ना यार, इतना मुश्किल थोड़ी है. अब वो पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर से वही वही कंटेंट की भाई हाँ एक काम करो, मेरे खुद के वीडियो का मैं वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा है. चलो पेन पेपर लो, अब सोचो क्या आपके बाल में आपने तेल लगाया, क्या कभी आपने वहाँ पे सर में खुजाया, ऐसी चीज़ें बोलने लगूंगा क्या मजा आएगा ऐसे बेकार से वीडियो. मैं ऑलरेडी मेड वीडियोज ऑन दिस, आस्क मी, गो एंड वॉच दैट वीडियो प्लीज़. आपका क्वेश्चन स्किप नहीं किया नमन जी, बता तो दिया कि आपको बहुत ज़्यादा सोचते हो, चिंता में रहते हो, परेशान रहते हो. जब बियर पीते हो तब आराम मिलता है, लेकिन बिना बियर के कुछ नहीं हो सकता क्या? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये स्ट्रेस है, ये डिपेंडेंस है, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा. ये सब यहाँ है और कुछ नहीं है, राइट? डोंट वरी अबाउट इट. साइकोलॉजिस्ट से मिल गए, एक्सरसाइज करिए, ठीक हो जाएगा, इट गिव इट टाइम. मुझे नींद नहीं आती, अगेन इसका कोई इलाज नहीं है. इंसोमनिया वाला वीडियो देखो, ऑलरेडी वीडियो है, उसकी बीमारी ढूंढोगे तो इलाज होगा यार. हाउ डू यू रिड्यूस शुगर क्रेविंग्स? नाउ दैट इज अ गुड क्वेश्चन. सी शुगर क्रेविंग्स जो होती है, इट गोज अवे इफ यू सेटिस्फाई योर सेल्फ विथ सम गुड फूड. ठीक है, शुगर क्रेविंग्स बहुत लो होती है और जितना खाओगे उतनी ज़्यादा होगी, ये बात याद रखो. सो अगर शुगर क्रेविंग्स को रोकना है तो कुछ दिन के लिए शुगर पूरी तरह से बंद कर दो. डोंट ईट एनी शुगरी थिंग, किसी भी चीज़ में बहुत मीठा करके मत खाओ. इसका मतलब ये नहीं कि चाय कड़वी पीनी है, चाय में कम शुगर करके एकदम ना के बराबर, ओनली दैट काइंड ऑफ अ थिंग. एंड देन डोंट ईट एनी शुगरी थिंग, जो मीठा लगे वो नहीं खाओ. देन व्हाट हैपन्स, कुछ दिन में, हफ्ता भर लगता है, एंड देन योर शुगर क्रेविंग्स गो डाउन. बट ऐसा नहीं कि बीच में एकदम गिव अप करके खाओ जोरदार, राइट? शुगर खाते हुए क्रेविंग्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप, राइट? शुगर क्रेविंग बंद करना पड़ेगा. OCD के ऊपर वीडियो, एक OCPD के ऊपर वीडियो है, OCD के ऊपर नहीं है उसका. आपको OCD के लिए अगेन साइकाट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा. सर एक दिन में कितने एग्स ले सकते हैं? 2 एग्स सेफली ले सकते हैं, होल एग्स, बाकी एग वाइट जितने मर्जी ले सकते हो. सर इज देर एनी टेस्ट अवेलेबल टू नो आर नो, देर इज नो टेस्ट लाइक दिस. लाइक ठोको सब, बिल्कुल ठोको जी, लाइक गलती से मैंने अपनी आँख में लेज़र लाइट मार ली और अब
मैं जहाँ भी देखती हूँ पहले डॉट नज़र आती है आपको, अंदर आँख के पीछे मैक्यूला रेटाइना होता है, उसका चेकअप कराना पड़ेगा, रेटाइनल स्पेशलिस्ट होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में, आप उनको जाके दिखाओ, दे विल चेक योर आई और वो बताएंगे कि आपके आँख में कोई इंटरनल डैमेज तो नहीं हुआ है. राइट, सो वी आर अगेन गोइंग ऑन लॉट ऑफ क्वेश्चंस. हमने 10 सवाल के ऊपर ऑलरेडी दे दिया है और हम बात करेंगे अब सिर्फ बैलेंस डाइट पे. सो अब नीचे से मैं सवाल ले रहा हूँ. राइट सर, मेरा मैग्नीशियम कम है. मैग्नीशियम कम है तो पानी में आप मिनरलाइज वाटर, वाटर चेक कराइए. ज़्यादातर जो मैग्नीशियम आता है वो पानी से आता है, और बाकी डाइट में हाई मैग्नीशियम फूड ले सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अल्टीमेटली मैग्नीशियम इज़ नॉट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम. मैग्नीशियम सप्लीमेंट ले सकते हो. कई बार मैग्नीशियम एक्चुअली डाइट में इशू कर देता है, जैसे हार्ट में, कई मसल प्रॉब्लम्स में. मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैग्नीशियम एक्चुअली कई चीज़ों में है, वीट में, स्पिनिच में. सो ऐसा नहीं है कि आपको डेफिशिएंसी होगी, अनलेस एंड अंटिल आप बहुत ज़्यादा नहीं खाना खाते हो तब प्रॉब्लम आएगा, या बिल्कुल जैसे मैंने कहा वैरायटी ऑफ फूड नहीं खाते हो तो. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ओके. व्हाई इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज इट डज़ नॉट वर्क अलोन. इट हैज़ टू बी वर्क विथ, इट हैज़ टू बी ब्लेंडेड विथ कैलोरी डेफिसिट. अगर आप पूरे दिन में, जैसे हाथी है, हाथी 20 घंटे सोता है लेकिन फिर बाकी सारा 4 घंटे चरता रहता है, खाता रहता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी को पतला हो जाएगा क्योंकि 20 घंटे सोता है, तो 20 घंटे कुछ नहीं करता है. तो सुमो रेसलर्स हैं, दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, बाकी टाइम सोते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पतले हो जाएंगे. सो डिपेंड करते हैं आपने क्या खाया. इट डिपेंड्स अल्टीमेटली, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कैलोरी डेफिसिट हुआ कि नहीं हुआ, आपने पूरे दिन में कितनी कैलोरीज इस्तेमाल की और पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खाई. इस्तेमाल की हुई ज़्यादा है तो पतले हो गए, वरना नहीं. बहुत भूख लगती है, दबा के वेजिटेबल्स खाओ, सलाद खाओ, सब्जियां खाओ, दाल खाओ, दूध पियो. भैया कहाँ पेट नहीं भर रहा मुझे बता दो बस, हाँ भूख लगती है तो. राइट, उसके बाद पूछो और पूछो सवाल पूछो. विटामिन B12 का सिम्टम है बॉडी में का कंपन, नहीं कंपन नहीं है, सुनपना. सुनपना, कंपन 100 और कारणों से आ सकती है, सुनपना हो सकता है विटामिन B12, और एक्चुअली B12 में कंपन भी हो सकती है, लेकिन कंपन और भी कारण से हो सकती है. राइट सर, ब्लैक स्पॉट फंगल इन्फेक्शन, नो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन के लिए लेना चाहिए, ले सकते हैं. लिवर सिरोसिस पे वीडियो ऑलरेडी है. 20 के बाद हाइट इंक्रीज पर वीडियो ऑलरेडी है, एक हाइट पे वीडियो, हाइट बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करो. निकोटीन छोड़ दो, क्या एल कार्निटीन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे आपकी वजन नहीं कम होगा. वाटर किट कितना पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर वाटर पीना ही पीना चाहिए. ओके, देसी घी के बारे में बताएं. देसी घी 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं अगर आप वज़न मेंटेन करना चाहते हैं. वज़न कम करना चाहते हैं कुछ दिन बंद कर दीजिए. अगर वज़न बढ़ाना चाहते हैं दबा के घी, देसी घी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है. तो बच्चों को देसी घी खिलाओ. सर, लिवर सिरोसिस में मेडिसिन से कितना ईयर सर्वाइव कर सकते हैं, ये हर एक केस में अलग होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती. इसमें आपको दवा खाना है और दवा डिपेंड रेगुलर टेस्ट कराना है. स्ट्रैमरिंग प्रॉब्लम के लिए वीडियो आएगा. वीट एलर्जी नहीं होती, ग्लूटेन एलर्जी होती है, वो भी बहुत दुनिया में 0.5% लोगों को होगी, सबको नहीं होती. विनय जी ने पेट सवाल पूछा है. हाई BP, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ LVH. आप नमक कम करिए, डैश डाइट का वीडियो देखिए, टोटल अपनी बॉडी का वजन कम करिए. अभी आपकी बॉडी उतना वजन उठा रही है, जब तक वो 10 किलो 15 किलो 20 किलो कम नहीं उठाएगी LVH नहीं जाने वाला. ओके, ऑलराइट. न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स वाली कंपनीज हर्बल लाइफ प्रोडक्ट के सही होते हैं क्या, मैं नहीं जानता, मैं नहीं बोल सकता. मैं किसी कंपनी के बारे में इंडोर्स भी नहीं करता हूँ, ना इस तरह की बात बोल सकते हैं, अनलेस एंड अंटिल वो मुझे कुछ बोलने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए दें और मैं इवैल्यूएट करूँ, फिर मैं बोलूँ ये क्या है इसमें. वो भी मैं नहीं कह सकता कि वो गारंटीड है कि आज ये सही है तो आगे भी जिंदगी भर वो सही बनाएंगे. सो इट्स नॉट अ पॉइंट, राइट. इसीलिए मुझे ऑफर आते हैं कि सर आप अपने चैनल पर इसका प्रमोशन करो, तो मैं बोलता क्या प्रमोशन चाहिए तुम्हें, मैं बेसिक बताऊंगा कि तुमको ये रिक्वायरमेंट है, मैं नहीं बोल सकता ये लो खाओ. ये गलत बात है, ये हमारी उसूलों के खिलाफ है कि नहीं. मिल्क विद लेमन ले सकते हैं, फट जाएगा दूध, फिर पनीर ही खा लो और क्या. मिल्क विद लेमन ले सकते हो, है ना, मिल्क विद लेमन, पहले मिल्क लिया फिर लेमन लिया, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. वो टेस्ट है, यहां फटा हुआ टेस्ट आएगा, अंदर जाके तो सबने फटना ही फटना है. राइट, MCHC मीन कॉर्पोरस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है. अब ये मत पूछना ये क्या होता है, अब ये सब बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने या इतना बेसिक फिजियोलॉजी पढ़ाने थोड़ी बैठ सकते हैं यहाँ पे. राइट, हीमोग्लोबिन कम है तो MCHC कम होगा.
राइट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वाली कंपनी, क्या परसेंटेज वेस वाइज कितना होना चाहिए कार्ब प्रोटीन एंड फाइबर इन बैलेंस डाइट? परसेंटेज वाइज आपके प्रोटीन्स होना चाहिए आपका एटलीस्ट 30-40%, कार्ब्स होना चाहिए आपका अगेन 40-60% मैक्सिमम, और 40% to 60%, और बाकी 10-30% के आपका फैट होना चाहिए, और कार्ब्स के अंदर ही फाइबर आ जाता है, फाइबर इज इंक्लूडेड इन कार्ब्स, राइट। फाइबर 30 grams कम से कम होना चाहिए, इन्हें 5-10% ऑफ दैट कार्ब्स, राइट। प्लीज सर मेक अ वीडियो ऑन डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग यू नीड टू गो टू एंडोक्राइन सॉरी गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, या फिर आप ENT स्पेशलिस्ट को दिखाओ, स्कोप डाल के देखेंगे वहाँ पे क्या है। वीट एलर्जी के लिए ग्लूटन एलर्जी वाले टेस्ट कराओ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के पास, वरना फालतू टेस्ट मत कराओ, फालतू वीट को बंद करके मत बैठो। एग योज मैं बता चुका हूँ, एग योग 2 खा सकते हो दिन में, 1 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाता हूँ एक बार में, व्हाट शुड देन डू? ये तो अच्छी बात है, दिन में हर 4 घंटे में खाना खाओ, अब ये तो अच्छी बात है, 1 दिन से 1 घंटे तो पतले रहोगे जिंदगी भर, खुश रहोगे, क्या दिक्कत है उसमें आपको, राइट। ये तो अच्छी चीज़ है। ग्लूटेन एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा और ग्लूटेन वाली चीज़ें खानी बंद करनी पड़ेगी, पर ये बात याद रखिए पहले इसको चेक कराओ ग्लूटेन एलर्जी है या आपको उल्लू बनाया जा रहा है। दर्द ठीक करने का इलाज दर्द का कारण ढूंढना होता है भाई साहब। हाउ टू रिड्यूस पिंपल एक्ने, उसके लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, नीचे चैनल है, नीचे वीडियो है, आज कल वाला वो भी बनाया था इसमें। क्या खाना चाहिए, अभी पहले 10 मिनट वही सब बताया मैंने। अंकित जी क्यों आके ऐसे सवाल पूछते हो जिससे आपको भी, और ये क्या बात हुई, क्या खाना चाहिए सर? अंगूर खाओ। तो क्या खाना चाहिए? I did not take break, only fast, only lunch and dinner. Is it good or not? Age 30, it's not good. It's not the best way, right? It should be every 4-6 hourly कुछ ना कुछ खाइए, हर 4-6 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाओ। ये पॉइंट है कि खाने के लिए ढूंढते हो सिर्फ रोटी मिलती है, वो गलत है। खाने का मतलब ये होता है कि कम से कम कभी सलाद खा लो, कभी फ्रूट खा लो, कभी चने खा लो, कभी दूध पी लो, इसको खाना, कोई ना कोई चीज़ खाओ भैया, ऐसा मत करो। बेस्ट फूड फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन, बेस्ट फूड इज ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बेस्ट फूड इज वाटर, एंड देन सेकेंड बेस्ट इज इस दुनिया में जितने डिटॉक्स डाइट है उससे बचना। अगर डिटॉक्स डाइट से बचोगे तो आपका खून साफ रहेगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खून साफ करे, सिर्फ किडनी लीवर है, वो जो किडनी और लीवर खून साफ करता है, कोई खून नहीं साफ करता भैया प्लीज। बहुत गलत इंफॉर्मेशन होती है लोगों को। आपने किसी प्रकार का कार कीज ड्रॉज में अंदर वहाँ पे यहाँ पर रखी नहीं यानी है। ओके बैड ब्रेथ, ये तो उसमें आ गया भैया, ये हरी अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यूरेबल हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन आपकी डाइट, डाइट एडजस्ट करके ज़िंदगी भर आराम से उसके साथ जी सकते हो। कॉफ़ी लेना कैसा है? कॉफ़ी इज़ गुड इन लिमिटेड क्वांटिटी, कॉफ़ी इज़ गुड फॉर लिवर, कॉफ़ी थोड़ी बहुत लेना अच्छा है, 1 दिन में 1-2 कॉफ़ी या 1 कॉफ़ी 2 चाय ख़त्म। टेंशन नहीं सर। हॉस्टल में क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं? हॉस्टल डाइट के लिए मैंने इंडिपेंडेंस डे वाली वीडियो बनाया था, इंडिपेंडेंस डाइट बाय डॉक्टर एजुकेशन डाल के देखो, मिल जाएगी। बेस्ट फूड फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन, हे भगवान कितने लोग ब्लड प्यूरिफाई करने के नाम पे आपको ठगते हैं, आपको नहीं पता, इतने डिटॉक्स चीज़ें बिक रही है ना आज के डेट में, कसम से उल्लू बनाए जा रहे लोग, एंड पीपल आर बिकमिंग उल्लू। टेस्टोस्टेरोन का वीडियो बना हुआ है, जहरीली शराब का नुकसान मैंने पी ली, नुकसान क्या है, जलेगा अंदर प्रॉब्लम होगा और शरीर में लिवर किडनी ख़राब होगा। टेस्ट करा के देखो, आज नहीं आज ठीक है तो 1-2 महीने बाद करा के देखो, कई बार धीरे धीरे ख़राब होता है, राइट। और उसके लिए फिर डॉक्टर खराबी के अनुसार दवा देंगे। अनियन जूस गुड और बैड? बकवास, अनियन जूस इज़ नॉट सो बैड नॉट सो गुड, अनियन खाओ। वाई डू वॉन्ट टू टेक जूस ऑफ समथिंग विच कैन बी ईटन इन अ बेटर फॉर्म, राइट? क्यों अनियन नहीं खाना है आपको? अनियन खाओ, जूस क्यों पीना है उसका? ना तो वो टेस्टी है ना तो कुछ मतलब है, तो जूस क्यों, अनियन खाओ ना, क्या दिक्कत है? वेट इन 10 डेज इंक्रीज, अच्छा ये वीडियो बनाया हम, वेट इन 10 डेज इंक्रीज, भैया पीनट बटर खाओ, थोड़ा अच्छे से खाना पीना खाओ तब वजन बढ़ेगा। मेरा बल्किंग या बल्किंग बाय डॉक्टर एजुकेशन वाला वीडियो देखो मेरे में, इजी बल्किंग, राइट। उसके बाद मेरी मम्मी को डायबिटीज़ और बीपी की प्रॉब्लम, मेडिसिन लेने के बाद पर भी कंट्रोल रहता है, शुगर एंड बीपी दोनों, बट लेग्स में पेन होता है उनके,
कैसे सही होगा ये पेन, लेग्स में पेन होता है, हो सकता है वो नसों का पेन हो सकता है, पीठ में प्रॉब्लम हो, पोस्चरल प्रॉब्लम हो, अगेन कारण ढूंढना होगा। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, बहुत साल से डायबिटीज़ है तो न्यूरोपैथी हो सकती है, उसके लिए उनका विटामिन बी12 लेवल चेक करना पड़ेगा, उसके बाद नर्व कंडक्शन एलर्सिटी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप वो टेस्ट करा सकते हो, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो तो ठीक है, वरना बी12 खाना शुरू करो, बी12 का विटामिन खाओ, हो सकता है ठीक हो जाए। प्रीगाबलिन साथ में ले सकते हो, अगर समझ नहीं आया तो वापस जाके स्लो मोशन में देख लेना। कीटो में मसल लॉस होता है क्या? एब्सोल्युटली मसल लॉस होता है, नो डाउट मसल लॉस होता है। आप बहुत हेल्प करते हो, थैंक यू आशिमा जी। जैसे घी वैसे वेजिटेबल क्या फर्क है यार? नीचे ना कुकिंग ऑयल्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कुकिंग ऑयल्स बाय डॉक्टर एजुकेशन, उसमें जाके देखो, चार चार वीडियोस हैं, मतलब कहाँ से आता है, कैसे बनता है, रिफाइन कैसे होता है, रिफाइन करते समय क्या डैमेज होगा, आपके घर पे आने के बाद पकाओगे ज़्यादा ऑयल में, ज़्यादा तेज पकाओगे, कम आँच में पकाओगे, सब बताया है, जाके देख लो। राइट, अब वो किससे कहानी यहाँ नहीं बता सकता हूँ। सर, कैन प्री वर्कआउट अफेक्ट बॉडी? ऑब्वियसली प्री वर्कआउट अफेक्ट्स बॉडी, तभी तो आपको वर्कआउट के पहले जोश आता है, वो जोश जो है वो है बेसिकली, इट्स एन एक्साइटिंग, आपको एक्साइटमेंट देता है, उसमें बहुत ज़्यादा कैफीन होता है, कॉफी होता है, एंड इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स आल्सो, इट कैन कॉज इनसोम्निया, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, एजिटेशन हो सकता है। ऑलरेडी गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इन माई कैफीन वीडियो, कैफीन वाला वीडियो जाके देखो, यू विल अंडरस्टैंड। प्लीज हेल्प हाउ टू कोप विद अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया है। अगेन, सत्तू प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन है, यस सत्तू इज अ कंप्लीट प्रोटीन। एंटी लो एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। और डाइजेशन प्रॉब्लम की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होता, डाइजेशन की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। कितने चल रहे हो? कितना टाइम लगेगा आपको? बंद कर देते हैं, आप जैसे बोलो। योर सब्सक्राइबर्स विल नॉट स्टार्ट हेटिंग मी दैट एवरी टाइम आई कम एंड आई टेल यू टू स्टॉप। तो भाई 30 मिनट हो गए, और क्या बच्चे की जान लोगे? नहीं, मैं तो ऐसे ही लगा रहता हूँ बेचारे। माइग्रेन के बारे में वीडियो आ चुकी है, देखिए जाके। डाइट फॉर ग्लोइंग स्किन, ग्लोइंग स्किन नीड्स हैप्पीनेस, इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर सेल्फ योर स्किन विल नॉट ग्लो, समझ रहे हो? पानी चाहिए बेसिक, ग्लोइंग स्किन नीड्स टू हैव वाटर इन द स्किन, वेरी इंपॉर्टेंट। पानी नहीं है तो स्किन ग्लो नहीं होगी, चाहे काली हो चाहे वाइट हो चाहे धब्बे वाली हो। इसके देखो, यहाँ मेरे स्कार है, स्कार दिख रहा है, ये स्कार है, स्कार होते हुए भी स्किन ग्लो कर रही ना, फिर भी आ रहा हूँ। चलो भाई लोग, ओके बाय, सी यू, फिश ऑयल्स आर गुड, नो प्रॉब्लम, गुड नाइट, ब्लेस, थैंक यू। पपाया इज गुड फॉर डाइजेशन, इट्स अ नेचुरल लैक्सेटिव ऑल्सो, राइट, थैंक यू गाइज, राम राम। और देखते रहिएगा वीडियो, शेयर करते रहिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा। यूएस से $19 का डोनेशन, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।